और बिहार में लगातार हम लोगों को युवाओं का साथ मिला, इसमें कोई शक नहीं। चाहे कोई जात के हों, कोई धर्म के हों, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के महागठबंधन को वोट ही नहीं दिया बल्कि सरकार बना दी। और आप लोगों का मेहनत रंग लाया, वो तो कहिए कि बेमानी से दो चार सीट इधर उधर कर दिए हो ना सरकार, तो आप लोग तो जो मुहिम लेके चले थे वो आप लोग तो कामयाब हो ही गए थे, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं। आप लोगों के कार्य क्षमता को लेकर हम लोगों को अभी भी विश्वास है, ये जो सदस्यता अभियान की जो शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए आप सभी को बिहार के कोने कोने से, हर जिले से बुलाया गया है, और जो आप लोगों ने जो लक्ष्य रखा है कि युवा राष्ट्रीय जनता दल जो है लगभग 10 लाख लोगों को सदस्य बनाने का काम करेगी, अगर ईमानदारी से अगर आप लोग अपने अपने जिला में अगर मेहनत करेंगे तो हमको तो आप लोगों के कार्य क्षमता पे कोई शक नहीं है। लगभग 10 लाख सदस्य तो आप बना ही नहीं, लेकिन गौर करने की बात है कि आपको जमीनी स्तर पर जाना होगा, जात पात छोड़ करके हर जगह आपको पहुंचना पड़ेगा। और वाकई में आप देखिए कि लोग मौजूदा सरकार से कितने नाराज हैं, खास तौर पे कौन सा वर्ग, युवा वर्ग। अब जो लोग 2014 में हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगाते थे, मम्मी पापा आपकी बार मोदी सरकार आएंगे तो हमको 2 करोड़ हमको रोजगार मिल जाएगा, आज वो लोग 20 साल के होंगे समझिए, उस समय जब नारा लगाते थे 2014 में, तो आज 27 साल का हो गया, तो नौकरी तो निकल गई। जो 20 साल का था वो 27 साल का हो गया, तो समझिए कि सरकारी नौकरी की गुंजाइश कम होगी, ना के बराबर है। और आज के माहौल में जहां सारी संस्थानों को प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है, हर चीज बेच दिया जा रहा है, तो जो लोग नारा लगाने वाले लोग थे, जिनको उम्मीद थी कि रोजगार मिलेगा, आज वो निराश है, आक्रोश में। और अभी जो मामला जो अभी आप देखेंगे भर्ती वाला को लेकर के, जब लोग सड़क पे उतरे थे, इतना बड़ा लोग जो है एनटीपीसी वाला में, रेलवे वाला, सब लोग जो है कितना भारी भयानक लोगों में गुस्सा दिखा था। अचानक से युवाओं लोगों ने मन बना लिया था कि मेहमान सरकार, आपको तो केवल ये काम करना कि जा करके बटोरना है, लोगों को जोड़ना है, स्वतः लोग जो है आपसे जुड़ने के लिए तैयार है। और वैसे लोग जो लोगों को ठगा गया, आज वो ठगा जो महसूस कर रहे हैं, जो चीट किया हुआ महसूस कर रहे हैं, उन सबका कहना है कि बिहार में और कोई उम्मीद नहीं, राष्ट्रीय जनता दल है जो गरीबों का बल है, नौजवानों का बल है।